सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जैसे गुराम जी ने बताया कि आज के डेट में जो ट्रांसप्लांट हो गया वो एक पैकेज के थ्रू लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, हर जगह पे पत्थर फेंको ट्रांसप्लांट एग्री हो। अब क्या हो गया कि ट्रांसप्लांट जो पेशेंट है उनके बजट पे कराया जा रहा है, अगर किसी पेशेंट का बजट 20,000 या 30,000 है, आज के डेट में वो अवेयरनेस नहीं प्रोवाइड की जा रही है मार्केट में कि इसके लिए क्या प्रिकॉशंस जरूरी होने चाहिए। बस मार्केट में एक एडवर्टीजमेंट, एक बिजनेस बना लिया गया ट्रांसप्लांट को। आज के डेट में आप देखो तो एक डेंटिस्ट भी ट्रांसप्लांट कर रहा है, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं रह गई है ट्रांसप्लांट को लेकर। जितने भी रिस्क फैक्टर की बात, तो आज के डेट में एक छोटा सा भी सर्जरी आप कराने जाओ तो एक फॉर्म पे सिग्नेचर करा लेते हैं किसी भी हॉस्पिटल में, चाहे वो 5,000 की सर्जरी हो चाहे वो 5 लाख की सर्जरी हो। तो रिस्क तो है, नो डाउट कि इसमें रिस्क नहीं है, बट जो ट्रांसप्लांट को लेके ये एक सर्जिकल प्रोसेस है, तो पेशेंट को भी थोड़ा समझना चाहिए कि जो सर्जिकल प्रोसेस है वो एक क्लिनिक या हॉस्पिटल के ऑथराइज हॉस्पिटल के अंदर ही जाकर ले तो वो ज्यादा बेटर रहता है, बजाय इसके कि किसी पार्लर में जाके आपका बजट 20,000 या 30,000 आज के डेट में मार्केट में आप जसडायल है, बहुत सारी चीजें हैं जहां पे आप एक इंक्वायरी डालो तो लोग उस पर कॉल करके आपको आपके बजट के अनुसार आपको सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन वो कहीं से भी उनके लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। ये सारी चीजों का तो ध्यान बिल्कुल रखना ही चाहिए आज के डेट में कि कोई भी सर्जिकल प्रोसेस हमेशा ऑथराइज जगह से ही जाके लेनी चाहिए। अनऑथराइज जगह पे जाने से पहले आप उसके बारे में पूरा प्रॉपर चेक कर लो, डॉक्टर क्या है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी रेटिंग्स क्या है, उनके ऑनलाइन कमेंट्स। आज के डेट में तो सबके हाथ में मोबाइल, अब तो वो ऐसी बात ही नहीं रह गई कि कोई भी चीज कहीं भी छुपा रह जाए। तो रिक्वेस्ट करूंगा मैं भी, जितने भी लोग हैं जो इस आज के डेट में अवेयरनेस बहुत बढ़ गया बालों को लेके, लोग अपने लुक पे एक्सपेंस करना चाह रहे हैं आज के डेट में, पहले वाली बात नहीं रह गई है, तो थोड़ा सा जानकारी लेकर थोड़ा सा उसके बारे में रिसर्च करके अगर चीजों को किया जाए तो ट्रांसप्लांट कोई खराब प्रक्रिया नहीं है, कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं जिसके वजह से कोई भी चीज नेगेटिव हो जाता है मार्केट में। यानी कि आपको बस सावधानी जो है वो बरतनी चाहिए। प्रोसीजर है, चूंकि ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है इसलिए आपको खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर ज्योति, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि आप एक बहुत लिचफील्ड जैसे संस्था से जुड़े हुए हैं, तो जब आपके पास कुछ इस तरह के केसेस आते हैं तो आप लोग क्या क्या सावधानियां बरतते हैं अपनी तरफ से कि मरीज को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो? हमारी पूरी कंपनी में एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है, एक एसओपी है, जहां पे हम पूरे स्टार्ट जहां से पेशेंट आता है फर्स्ट कंसल्टेशन से लेके टिल 1 ईयर वी आर टेकिंग एक्स्ट्रा केयर अबाउट द पेशेंट राइट फ्रॉम हिज रिक्वायरमेंट्स। हमारी एक ब्रांड इतनी इमेज स्ट्रांग है रिचफील्ड की, जहां पे हमें हमारा सेल्फ प्रेजेंस है ऑल ओवर इंडिया, जहां पे वी आर द बेस्ट पीपल व्हेन इट कम्स टू हेयर अंडरस्टैंडिंग। एफयूई जहां पे हम करते हैं, यहां पे इट कैन बी शेव टेक्निक, इट कैन बी नॉन शेव टेक्निक, एंड इसमें ऐसा होता है कि कौन से ब्लड टेस्ट करने पड़ते हैं, कौन से उसकी कंडीशन है, देन इन दैट केस इफ इट्स अ हाई रिस्क देन व्हाट आर द प्री रिक्वायरमेंट्स देयर। एवरी पेशेंट इज डिफरेंट, एंड जैसे हम कहते हैं कि एक कोई भी चीज अगर हम मार्केट में जा रहे हैं कोई एक चीज खरीदने के लिए, वो 100 रुपए से लेके एक एक्सट्रीमली हाई अमाउंट तक मिल जाता है। सिमिलरली वी आर एट अ वेरी इकोनॉमिकल प्राइसिंग एंड वी आर गिविंग द बेस्ट इज व्हाट वी आर लुकिंग एट, बट इन द मीनवाइल इट इज ऑल्सो दैट द टीम दैट वी हैव, द एंटायर टीम राइट फ्रॉम अवर क्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड अवर टीम ऑफ अवर प्रोसीजर रूम्स दैट आर देयर ऑल अक्रॉस द कंट्री आर ऑल्सो बीइंग टेकन केयर वेरी वेरी मेथोडिकल एंड इन अ वेरी सिस्टमैटिक मेथड। एंड बिल्कुल, यानी कि अगर कोई भी दर्शक जो है वो अगली बार किसी हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाए तो इन चीजों का जरूर ख्याल रखे कि क्या क्या जो चीजें हैं वो देखी जाती हैं। इस बीच में डॉक्टर शेखर, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी। जी जी ज्योति जी, या ऑल्सो मुझे ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हालांकि ये बहुत सी छोटी प्रोसीजर है, इसको नेग्लेक्ट ना करें, बिकॉज दिस इज समथिंग टू डू विद हेल्थ, एंड व्हेन इट कम्स टू हेल्थ वी नीड टू अंडरस्टैंड हु इज गिविंग अस द बेस्ट सर्विसेज। ये जैसे कि एक डॉक्टर ने, हमारे फेलो मेंबर ने कहा है कि दिस इज नॉट अ थिंग विच इज जस्ट टू बी इग्नोर्ड, दिस इज समथिंग टू डू विद आवर बॉडी, समथिंग टू डू विद आवर लाइफ, एंड इवन अ स्मॉल थिंग विच अ रॉन्ग डिसीजन टेकन बाय द पर्सन और द पेशेंट हिमसेल्फ कैन रियली गो रॉन्ग, एंड that is why I feel that we should really understand that risks are also involved to a very very minimal level, lekin hame ye bahut janna zaruri hai ki ye exactly kaun karna chahiye, jaise hamare paas md doctors hain, hamare paas proper team hai jo proper train hote hain, and everything is taken care thoroughly।
बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीज है कि लोगों को ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा है वो एक सर्टिफाइड सर्जन है, एमडी डॉक्टर है। इन चीजों का खैर आपको खास ख्याल रखना चाहिए। लेकिन डॉक्टर शिखा शर्मा, जैसा कि हम जिक्र भी कर रहे थे लाइफस्टाइल का, लाइफस्टाइल चूंकि आजकल ऐसा हो चुका है, टेंशन इतनी होती है या पॉल्यूशन इतना होता है कि लोगों के बाल जो है वो बहुत छोटी सी उम्र से ही जो है झड़ने लग जाते हैं, तो ऐसे में दर्शकों को क्या क्या किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कम से कम ऐसी नौबत ना आए, या फिर अगर बाल झड़ भी रहे हैं तो थोड़ा सा कोई इलाज वगैरह कर लिया कि जिससे ज्यादा बाल ना झड़े। जी, जैसे कि आपने सही कहा कि आजकल बहुत यंग एज पे ही बाल झड़ रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा रीजन है कि हमारी डाइट्स बहुत एसिडिक हो गई हैं। फॉर एग्जांपल, एसिडिक डाइट्स उनको कहते हैं जो बहुत ही रिफाइंड आटे में का इस्तेमाल होता है। जैसे लोग ब्रेड खाते हैं, नाउ ब्रेड इटसेल्फ इज वेरी रिफाइंड आटा, उसको मैदा से बनता है वो, एंड इवन होल व्हीट ब्रेड जो है उसमें कुछ मैदे का पोर्शन होता है, क्योंकि अदरवाइज ब्रेड बनेगी ही नहीं, इट विल नॉट राइज, द डो विल नॉट राइज। इसी तरीके से जो हमारी डाइट में कई चीजें हैं, जैसे एरिएटेड ड्रिंक्स हैं, या जैसे हमारी बिस्किट्स हैं, नमकीन्स हैं, ये बॉडी को एसिडिक बनाती हैं। एंड जैसे ही बॉडी एसिडिक होगी, सबसे ज्यादा उसका नेगेटिव असर बालों पे पड़ता है, बाल खराब हो जाते हैं एंड झड़ते हैं, जोड़ों पे पड़ता है एंड हार्ट पे पड़ता है, एंड ऑफ कोर्स स्किन पे भी पड़ता है। सो द फर्स्ट थिंग आई वुड से, सबसे पहले अल्कलाइन डाइट लीजिए, यानी कि जैसे सीजन में टमाटर है, बीटरूट है और ये सारी सब्जियां हैं, इनके जूस लीजिए, ये आपकी बॉडी को अल्कलाइन बनाएंगे। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी डाइट में थोड़ा त्रिफला, एलोवेरा, ऐसी चीजों का इस्तेमाल कीजिए जो आपकी बॉडी को नेचुरली अल्कलाइन बनाएंगे और आपके हेयर रूट्स को वो एसिडिक नहीं बनाएंगे, जिसकी वजह से वो झड़ते हैं। नेक्स्ट थिंग इज कि प्रोटीन डाइट में बहुत होना चाहिए, क्योंकि हमने आम देखा है कि लोग प्रोटीन ज्यादा नहीं खाते, फास्ट फूड या ऑयली फूड ज्यादा खाते हैं। अगर प्रोटीन नहीं होगा तो हेयर इज मेड ऑफ प्रोटीन ओनली, तो वो उसकी डेफिशिएंसी होती है। देन विटामिन ई, विटामिन सी, सिलीनियम, जिंक, ये कुछ माइक्रो मिनरल्स होते हैं और विटामिंस होते हैं जो हमारी डाइट में होने चाहिए। सो जो मैं एक विच आउट आई एम इंडिकेटिंग इज फंडामेंटली कि जो एक नेचुरल बाल होते थे और एक यूथ की निशानी होती थी, एक नेचुरल हेल्दी बाल, वो झड़े इसीलिए रहे हैं क्योंकि हमारी डाइट में वो रॉ मटेरियल नहीं है जो उस बालों को सस्टेन कर पाए। इसीलिए लोग ये शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं, बिकॉज नॉर्मली बाय 50 यानी कि बिल्कुल साफ है कि अगर आप अपनी डाइट का ख्याल रखेंगे, खाने पीने का ख्याल रखेंगे, तो इस तरह की कोई नौबत ही नहीं आएगी कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट जैसे प्रोसीजर के लिए भी जाना पड़े। खैर, आप लोगों के पास वापस आऊंगे, चर्चा को जारी रखेंगे।